नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिवांगन पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कर चुके हैं। पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। और चैनल में जो भी नए लोग होंगे, प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 का ये मॉडल सेट है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो सीरीज चल रहा है दोस्तों। और अभी तक हम लोग 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हम लोग 4th करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों सभी को पता है हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। उसी तरह से दोस्तों, और कोई दूसरी भाषा है जिसका लिपि जो है देवनागरी है? इसका देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है सिंधी, पंजाबी, बांग्ला और चौथा है नेपाली। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा नेपाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाली। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है देवनागरी का देवनागरी लिपि का जो है दोस्तों, इसका इस्तेमाल लगभग 120 भारतीय आर्य भाषाओं में किया जाता है, जिसमें हिंदी, नेपाली, मराठी, अवधी और क्या है नेवारी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा शिलिंग है? तो शिलिंग कौन से देश की मुद्रा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सीलिंग जो है दोस्तों, वो किस देश का मुद्रा है? तो सीलिंग जो है वो सोमालिया का है। किसका है? सोमालिया, सोमालिया का है। इसी तरह से अगर सूडान का पूछा जाए तो सूडान का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पाउंड। सूडान का क्या हो जाएगा? पाउंड। और अगर आपको सेशल्स का अगर पूछा जाए तो सेशल्स का मुद्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सेशल्स का जो हो जाएगा रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपया। और बेलीज, बेलीज का क्या हो जाएगा? तो बेलीज का दोस्तों हो जाएगा डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल और उसके जन्मदाता देश का गलत युग्म है। बोलता है कौन सा गलत है दोस्तों? खेल और उसका जन्मदाता जो है यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में, तो कौन सा गलत है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है विलियर्ड्स, इसका हो जाएगा फ्रांस, ये आपका सही है। दूसरा कबड्डी, भारत, ये भी आपका सही है दोस्तों। तीसरा शतरंज, रूस, ये जो है दोस्तों, ये शतरंज का रूस नहीं होगा, जो शतरंज का होगा दोस्तों, तो शतरंज जो है वो रूस नहीं होगा। तीसरा है स्नूकर, भारत, ये भी आपका सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, शतरंज जो है वो रूस, ये भी भारत ही माना जाता है। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको क्वेश्चन के अनुसार, तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो कौन से प्रदेश के उत्तरी सीमा पर मैकमोहन रेखा खींची गई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। यह रेखा शिमला में निर्धारित की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1994 ईस्वी में। कब की गई थी? सॉरी, 1914 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। और कहाँ पे निर्धारित की गई थी दोस्तों? तो शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए। तो भारतीय संविधान में उद्देशिका का प्रस्तावना का स्रोत अमेरिका संविधान से है दोस्तों। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिचय अथवा भूमिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं, तो रीट जारी कौन कर सकते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। क्या हो जाएगा? उच्चतम और उच्च न्यायालयों, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो लोकसभा की बैठक कब समाप्त की जा सकती है दोस्तों? किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा।
अस्थागत द्वारा, अस्थागन द्वारा या फिर सत्रावसन द्वारा, उसके बाद विघटन द्वारा, ये तीनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो पंचायतों के चुनावों से संविधान सभी मामलों पर कानून बनाने का शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य विधानमंडल, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती का साक्ष्य हड़पाई क्षेत्र में किसी उत्तर भारत के स्तर से नहीं पाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, रागी, क्या हो जाएगा रागी। रागी के खेती का साक्ष्य हड़पाई क्षेत्र से नहीं पाया गया है, यह दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? यह दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ, जो कि हड़पाई क्षेत्र से बाहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से गुप्तकाल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है? किससे मिलती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र अभिलेख, ऑप्शन ए हो जाएगा, सौराष्ट्र अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बिलग्राम का युद्ध, तो बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो सबसे पहले देखिए 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। और ये जो है दोस्तों, ये शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ जहांगीर और मलिक अंबर, तो ये दोस्तों सही नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन में ही बोला गया दोस्तों, कौन सा युग जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलग्राम युद्ध, जो कि किसके बीच हुआ था? ये शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। दूसरा है धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और दारा सिको के बीच, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है चौसा का युद्ध, ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। पानीपत का युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1908 ईस्वी में। कब की गई? 1908 ईस्वी में। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए क्या किया था? बम फेंका, जो श्रीमती प्रिंगल और उनके पुत्रों के गाड़ी पर पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया। जिसके उपरांत खुद्दीराम को इस घटना के लिए मृत्युदंड की सज़ा मिला और खुद्दीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। इसी घटना में दोस्तों खुद्दीराम बोस को क्या किया था? फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा एनजी रंगा ने किया था। कौन किया था? एनजी रंगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, एनजी रंगा। तो चंपारण सत्याग्रह के समय क्या हुआ था दोस्तों, कि गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार तथा शिलांग पठार के मध्य का क्षेत्र है? तो छोटा नागपुर पठार और शिलांग पठार का मध्य क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एकनाथ भ्रंशित प्रदेश, क्या है? एकनाथ भ्रंशित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो कौन सा दोस्तों सही मिलान नहीं है, उसको देखना है। कौन सा सही नहीं है देखते हैं। पहला है अहमदाबाद साबरमती, ये जो है दोस्तों ये नदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, चंबल, साबरमती, ये सब नदी है। तो अहमदाबाद में जो है कौन नदी है? साबरमती।
अब हो गया हैदराबाद, हैदराबाद लिखता है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी जो है दोस्तों ये हैदराबाद नहीं है, ये क्या हो जाएगा मुसी नदी, यहाँ पे हो जाएगा मुसी नदी जो है वो हैदराबाद की है, मुसी नदी। तो क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, कोटा चंबल हो जाएगा और चंबल नदी, और नासिक जो है वो गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, कौन सा मिट्टी जो है दोस्तों वो नदियों द्वारा निर्मित है, इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है, यह सर्वाधिक उपजाऊ है, क्या है यह सर्वाधिक उपजाऊ वाला मिट्टी है, कौन सा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है और यह हल्के भूरे रंग की है तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अदरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, भारत में अदरक का सबसे प्रमुख उत्पादक जो राज्य है, पहला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश और दूसरा राजस्थान हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला में ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से कौन सा राज्य में पाया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में पाया जाता है, कहाँ पे मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों त्रिपुरा में पाई जाने वाली अन्य जनजातियों में रियांग तथा त्रिपुरी जो है वो क्या है प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 से 1990, कब थी 1985 से 1990, इस योजना में ये जो योजना था दोस्तों जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे, तो लाला लाजपत राय कौन से बैंक के संस्थापक थे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी 1894 ईस्वी में, कब हुई थी 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, तो राजकोषीय नीति में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बेलानिंगा नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो बेलानिंगा नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर, ऑप्शन ये हो जाएगा शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार बाग और निषाद बाग कहाँ पे स्थित है, तो शालीमार बाग और निषाद बाग कहाँ है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा श्रीनगर, कहाँ पे है श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सरोद, ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है SBI रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 2027, क्या हो जाएगा 2027 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, महोबा गौरा पत्थर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, वह किस राज्य का है, कौन सा राज्य का है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में कौन सा बना, तो कौन सा बना दोस्तों,
सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखे जाने की घोषणा की गई है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पर इतवारी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला जाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा जाएगा, घोषणा हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अभी हम लोग दोस्तों सामान्य अध्ययन से प्रश्न कर रहे थे, अब हम लोग सामान्य विज्ञान से करेंगे। तो दोस्तों जिन किन्हीं को अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन है? आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्मथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में होता है दोस्तों, प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमोनिया हो जाएगा। मतलब हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने में क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में प्रायः लोह ऑक्साइड Fe2O3, जिसमें वर्धक उत्तेजक के रूप में Al2O3 एवं K2O मिश्रित रहते हैं। क्या मिश्रित रहते हैं? Al2O3 और K2O क्या रहते हैं? मिश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है? तो क्या कारण हो सकता है दोस्तों, क्या कारण है इसका? तो बोलता है जब किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, वो फूट जाता है, फिर टूट जाता है, क्योंकि खोलते हुए द्रव जो है अधिक दाब उत्पन्न करता है। क्या करता है दोस्तों? खोलता हुआ जो है वो दूध क्या करता है, बहुत ज़्यादा दाब क्या करता है, उत्पन्न करता है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, वो टूट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं इसलिए क्या होता है, वो चनक जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में नियामक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। परमाणु संयंत्र में क्या होता है, जल का उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है और सूची 2 है, तो जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है दोस्तों वो क्या है, तो जर्मन सिल्वर जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा निकेल। क्या हो जाएगा? निकेल। उसके बाद सोल्डर, सोल्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोल्डर जो है वो टीन। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर आपका हो जाएगा क्या, क्लोरीन। और हाइपो, हाइपो हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं को क्या है दोस्तों, प्रमुख प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था के रोगों का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था के रोगों का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेरिएट्रिक्स। क्या हो जाएगा? जेरिएट्रिक्स। जेरिएट्रिक्स चिकित्सा शास्त्र का जो है दोस्तों एक शाखा है, जिसके अंतर्गत वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्तियों की बीमारियों और समस्याओं का क्या करता है, निदान और समाधान किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शारीरिक रूप से विकलांग और बीमार बुजुर्ग व्यक्तियों को उपचार प्रदान करके उनको क्या करता है दोस्तों, स्वास्थ्य की देखभाल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो क्या है? तो मेरिनो क्या है दोस्तों? तो मेरिनो जो है आपका ये जो है भेड़ है। क्या है? भेड़ का एक प्रकार नस्ल है दोस्तों, स्पेनिश नस्ल की भेड़ है,
कहाँ के है, स्पेनिश नस्ल की भेड़। विश्व के कुल उत्पादन के लगभग 40% का योगदान मेरिनो नस्ल के भेड़ों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग, सेब का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा रसदार थैलामस, ऑप्शन सी हो जाएगा रसदार थैलामस। तो सेब का खाने योग्य भाग जो है रसदार थैलामस है। सेब के खाने योग्य भाग को पुष्पासन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्पासन, पुष्पासन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है। तो संक्रामक बीमारी कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा खसरा। खसरा जो है दोस्तों वो संक्रामक बीमारी है, और जो रूबेला वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, रूबेला वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्तियों के नाक, मुंह या फिर गले से बूढ़ों के माध्यम से प्रेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के, क्या हो जाएगा, विटामिन के। तो विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त थक्का, हड्डी के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को क्या कर, नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पलीहा या फिर स्प्लीन, क्या हो जाएगा, पलीहा या स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। ताकि पुरानी एवं कमज़ोर आरबीसी स्प्लीन में क्या करता है, वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी या अवयवीय श्वसन के परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संचित हो जाता है जिसके कारण पेशीय थकान हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल, क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका उपयोग होता है। तो मच्छर भगाने वाली जो क्रीम होता है दोस्तों उसमें किसका उपयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा नीम की पत्तियों का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, नीम की पत्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है। तो पहाड़ या फिर पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो है दोस्तों वो आगे क्यों झुकता है, तो क्यों झुकता है दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे इसलिए झुकता है कि वह अपने आप को स्थिरता बनाए रखे, क्यों झुकता है, स्थिरता को बनाए रखने के लिए और अपने शरीर को संतुलन करने के लिए आगे की ओर क्या करता है, वो झुकना पड़ता है उसे, ताकि गुरुत्व संतुलन हो सके। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्थिरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गर्म पानी को तप्त गिलास के रूप ऊपर छिड़का जाता है, बोलता है जल गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, इसका क्या कारण है। इसका क्या कारण है दोस्तों, इसका कारण है अधिक तप्त गिलास की भीतरी तथा बाहरी दोनों सतहें जो होता है क्या होता है, विस्तारित रहती है, परंतु उस पर अपेक्षाकृत कम गर्म पानी छिड़कने पर क्या होता है, उसकी बाहरी सतह अचानक संकुचित हो जाती है, जबकि भीतरी सतह जो होता है वो विस्तारित ही रहती है, क्योंकि कांच ऊष्मा की क्या है, कुचालक है, अतः गिलास क्या होता है, टूट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन एक स्थिर रहता है। कौन स्थिर रहता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा आयाम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दो फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारा वाष्प, ये दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोफ्लेटिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा
प्रकाश वोल्टियस सेल पीवी का उपयोग कर सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत में बदला जा सकता है। इस प्रकार वोल्टिंग प्रणाली में सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग गणित को और आपका और रीजनिंग को दोस्तों हम लोग छोड़ देते हैं और बाकी सब सभी हम लोग करते हैं गणित और रीजनिंग को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के प्रश्न की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का ज्ञान मतलब सीपीयू में क्या होता है। सीपीयू में क्या होता है दोस्तों, तो सीपीयू में क्या होता है, पहला कार्ड रीडर और प्रिंटिंग डिवाइस, दूसरा है एक एनालिटिकल इंजन और एक कंट्रोल यूनिट, तीसरा है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, एक कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के किस प्रकार की क्रियाओं का संचालन करता है। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के किस प्रकार की क्रियाओं का संचालन करता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक क्रियाओं का। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंतरिक क्रियाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान प्रोफेशनली डिज़ाइन किया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसके प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। तो किससे बदला जा सकता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट प्रोफेशनली डिज़ाइन किया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से क्या होता है, बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं। एट बीट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो एट बीट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बाइट। क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब खाली स्थान एक हार्डवेयर है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं दोस्तों, सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग दोस्तों सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं, सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन LAN लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर क्या होता है। तेज चलता है, ऑनलाइन हो जाता है, या फिर सूचनाओं या पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं, या फिर ईमेल करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सूचना और या फिर पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से हार्डवेयर की आइटम नहीं है। तो कौन से हार्डवेयर की आइटम नहीं है दोस्तों, MP3 फाइल या फिर कीबोर्ड या फिर डिस्क डिवाइस ड्राइव या फिर मॉनिटर। तो कौन से हार्डवेयर की आइटम नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो MP3 फाइल ये हार्डवेयर का आइटम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे आए, तो एनिमेशंस के टैब में स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में चेक बॉक्स में क्लिक करें। कौन सा चेक बॉक्स में क्लिक करें दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय किसके सिवा, इसका आंसर हो जाएगा DVDs। क्या हो जाएगा, सिर्फ DVDs जो है वो शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटेड सूचना जो खाली स्थान कहलाती है भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक अस्थायी रूप होती है। क्या होती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी। तो प्रिंटेड सूचना जो हार्ड कॉपी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है। तो स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रिट्रीव। क्या हो जाएगा, रिट्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक सिस्टम है, तो किसका सिस्टम है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। क्या हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का एक सिस्टम है, कौन है, इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आप प्रिंट कर सकते हैं, इससे आप प्रिंट कर सकते हैं, तो किससे आप प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस P से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस P।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग में आसान क्या होता है? प्रयोग में आसान क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। क्या हो जाएगा? यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत बार होता है ऐसा कि कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं और अचानक से क्या हुआ, बंद हो गया, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैंग। क्या बोलते हैं? हैंग हो गया। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि हैंग हो गया, मोबाइल भी होता है ऐसा कभी कभी, काम करते करते क्या होता है, बंद हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हैंग हो गया। आंसर हो जाएगा हैंग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन अस्थायी रूप से में रखा जाता है, तो कहाँ पे रखा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रैम में। कहाँ रखा जाता है? रैम में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा DOC, डॉक्यूमेंट हो जाएगा DOC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है उसे तो उसका क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु जिसका URL आपको मालूम है, ब्राउज़र के रूप में URL टाइप करें और इंटर दबाकर प्रेस कर दें। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एड्रेस पता बार। क्या होगा? एड्रेस या फिर पता बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU जिसे खाली स्थान कहा जाता है, जब PC के बारे में चर्चा या फिर बात होती है, कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग प्रक्रिया करता है, सो क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? CPU जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, तो इसका आंसर माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से प्रश्न, तो झारखंड राज्य से जो प्रश्न है दोस्तों वो 30 प्रश्न रहते हैं, टोटल 30 प्रश्न होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा उलुंग जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो उलुंग जलप्रपात जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा खूंटी। कहाँ पे है दोस्तों उलुंग जलप्रपात? खूंटी जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया, किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2007 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 2007 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाली छठी विधायक कौन थी? कौन थी दोस्तों? हाल ही में अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाली छठी विधायक कौन बनी? कौन बनी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबूलाल मरांडी। क्या हो जाएगा? बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सुलेमान मुर्मू। क्या हो जाएगा? सुलेमान मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। क्या हो जाएगा? सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतपुर। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा पर्वतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन जंगल झारखंड के किस जिले में उग्रवाद के लिए काबू पाने के लिए किया गया था दोस्तों शुरुआत? इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा। क्या हो जाएगा? गढ़वा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया? सोनोत समाज संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी में। कब किया गया था? 1970 ईस्वी में। शिबू सोरेन प्रारंभ में महाजन व्यवस्था
के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नोवामुंडी, पश्चिमी सिंहभूम और उड़ीसा। गुरु महिसानी, ये दोनों जगह से प्राप्त होता है, गुरु महिसानी और नोवामुंडी जो पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन दो ऐसे ज़िले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? कौन से दो जिला है दोस्तों जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है विधानसभा क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला और लोहरदगा। क्या हो जाएगा? गुमला और लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सातवां स्थान, ऑप्शन बी हो जाएगा सातवां स्थान। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बॉक्साइट का भंडारण जो है दोस्तों कितना है, 239,061,000 टन। कितना है? 239,061 टन। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये 2022-23 के अनुसार है, ये 2022-23 का रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कई जगह हैं जहां पर सीढ़ीदार क्षेत्र हैं, ताकि किस लिए है दोस्तों? झारखंड में बहुत सारे जगह पे क्या है, सीढ़ीदार क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जाता है, इसलिए क्या है, सीढ़ीदार क्षेत्र है, बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया है, वो है? तो झारखंड के 18 जिला पहले था दोस्तों, उसके बाद जो है 4 नए जिलों का गठन किया गया, वो जिला कौन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार, सिमडेगा, जमताड़ा और सरायकेला खरसावां, ये चारों है, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया है? तो सरायकेला जिला जो है दोस्तों संगीत और नृत्य का मक्का कहा जाता है, संगीत और नृत्य का, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1831-33 का भूमिज विद्रोह किनके नेतृत्व में हुआ था? तो 1831-33 का भूमिज विद्रोह दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा गंगा नारायण सिंह। किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्र भगत माया और देबिया 1913-14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? तो कौन से आंदोलन के नेता थे दोस्तों, छत्र भगत माया और देबिया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताना भगत। क्या हो जाएगा? ताना भगत आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोरंडा रांची। कहाँ से शुरू हुआ था? डोरंडा रांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? कौन सा जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सौरैया। क्या हो जाएगा? सौरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HECL ये गवर्नमेंट PSU को स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1958 में। कब स्थापित किया था दोस्तों? 1958 ईस्वी में, ऑप्शन ये हो जाएगा 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति का उआ गिरह गति ओड़ा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंडा। क्या हो जाएगा? मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैद्यनाथ मंदिर भारत में शक्तिपीठों में से एक है, कितने शक्तिपीठों में से एक है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से एक है, इसका आंसर 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रांची। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड के किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी। क्या हो जाएगा? बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्तमान कितने नगर हैं? झारखंड में वर्तमान में कितने नगर हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 152। क्या हो जाएगा? 152 नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो झारखंड का राजकीय फूल क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पलाश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किससे सम्मानित किया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र से। किसे? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और कब सम्मानित किया था? 1971 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम कोकिंग कोल का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। यूरेनियम और कोकिंग कोल का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का क्या एकमात्र राज्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमानत नदी निकलती है, अमानत नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग पठार से। कहाँ से? हजारीबाग पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो झारखंड की खेल राजधानी कौन है दोस्तों? जमशेदपुर। कौन है? जमशेदपुर। और औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार के हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महली, लोहरा और करमाली, ये तीनों है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजातियाँ खुद को कुड़ुख कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? तो क्या है दोस्तों? खुद को क्या बोलते हैं? कुड़ुख। इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव। कुड़ुख का मतलब क्या होता है? मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? तो तीरंदाज कौन नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा जो है दोस्तों वो क्या है? तीरंदाज नहीं है। इसका जो संबंध है दोस्तों, ये मुक्केबाज। कौन है? ये मुक्केबाजी करता है। कौन? अरुणा मिश्रा मुक्केबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के 23वीं तीर्थकार पार्श्वनाथ ने किस जिले में शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त किया? किस जिले में शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त किया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। क्या हो जाएगा? गिरिडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा त्यौहार इसकी उम्मीद में मनाया जाता है। तो जावा त्यौहार किसकी उम्मीद में मनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए। किसके लिए मनाया जाता है? अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो रजरप्पा किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर एवं भेड़ा। कौन सा नदी है? दामोदर एवं भेड़ा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम। यूरेनियम उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 13 राजमार्ग। कितना हो जाएगा? 13 राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? तो कौन से संस्था का गठन किया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पंचायत। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।